आदेश जय श्री महाकाल। अघोर साधना मार्ग चैनल पर आप सभी मित्रों का मैं विनोद नाथ स्वागत करता हूं। आज किस बारे में बात करनी चाहिए वो आप सभी मित्र समझ गए होंगे। और आज का जो स्पेशल दिन है, जो नरक चतुर्दशी जिसको बोलते हैं, उस दिन जो है कलेश और बीमारियां जो घर पर घर करके बैठी हैं उनको घर से निकालने के लिए उतारा किया जाता है, जो आज ही के दिन स्पेशल माना जाता है या दीपावली के दिन भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। और घर में संपत्ति और घर में माँ लक्ष्मी को विराजमान करने के लिए आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ, जिससे आप करने के बाद घर की जो धन की समस्याएं हैं वो आप सही कर सकते हैं। और समय को बचाते हुए मैं जल्दी जल्दी आपको पूरा विधान बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल है आज का और कल का, इस वजह से, और इन दिनों में काफ़ी व्यस्त रहा, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, तो लेट मैं पहले से ही हूँ। आपको पीला वस्त्र लेना है और उसको बेजोड़ पे रखना है और उस पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश जी की मूर्ति या फोटो आपको स्थापित करनी है। उसके आगे चावल से आप सांखिया बनाएंगे और उसके बीच में आपको एक रुपया भी रखना है और उसके ऊपर आपको खोपरे के अंदर सुपारी, लौंग, इलायची, किशमिश, बादाम ये भर के रखना है। और इस तरीके के दो रखने हैं आपको, ठीक है, एक श्री गणेश जी के लिए, एक माँ लक्ष्मी के लिए, ठीक है। उसके बाद दो दीपक जलाने हैं घी के, और इसमें माला का जो प्रयोग है वो कमलगट्टे की रखनी है। और दिशा आप का जो घर का मंदिर है, दिशा उसी तरीके से रखनी है, दिशा इसमें चयन नहीं करनी, क्योंकि घर का जो मंदिर है वहीं पे आपको ये साधना करनी है। फिर आपको सबसे पहले श्री गणेश जी को याद करना है, फिर माँ लक्ष्मी को याद करना है, उनसे क्षमा प्रार्थना करनी है कि हमसे जो गलतियाँ भूल चुकी हुई हैं तो वह हमें माफ़ कीजिए, और उनको बुलाने के लिए बोलिए कि आप हमारे घर पे विराजमान हो। उसके बाद पहले श्री गणेश जी का मंत्र जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है और वीडियो में भी नीचे चलता हुआ मिल जाएगा आपको, तो इसकी 11 माला जाप करनी है। उसके बाद माँ लक्ष्मी का मंत्र है, उसका कम से कम 108 माला जाप आपको करना है। और मंत्र और वीडियो में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस बारे में, फिर भी बोलकर बता देता हूँ। श्री गणेश जी का मंत्र है, ओम गण गणपतये नमः। और माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है वो है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इन मंत्रों को आप आज और कल दोनों दिन कर सकते हैं, इससे माँ का आशीर्वाद मिलेगा आपको और इस प्रयोग को अपने जीवन में बहुत अच्छे फल प्राप्त करने के लिए आपको रोज एक माला श्री गणेश जी की करनी है और रोज 11 माला आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी की स्पेशल कृपा प्राप्त करने के लिए और आय के स्रोतों में अच्छे तरीके से बढ़ोतरी करने के लिए आप माँ अघोर लक्ष्मी की भी साधना कर सकते हैं। ये साधना आपको हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद में आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और जिन भी मित्रों को साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, अनुभव नहीं हो रहे हैं या किसी शक्ति को देख नहीं पा रहे हैं, तो उनको ऊर्जा व दिव्य दृष्टि के असली स्रोत जो कि शरीर के सातों चक्र होते हैं उनका ऐसा विधान तंत्र जगत में दिया हुआ है जो कुछ ही दिनों में अपना पूरा असर दिखाता है, क्योंकि चक्रों को जागृत करने में 3-4 साल भी लग जाते हैं पर तंत्र जगत में इसके विधान जो हैं वो कुछ ही दिनों के रहते हैं, जिससे हम अपने शरीर के चक्रों को जागृत कर सकते हैं। जिनको भी साधनाओं के बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, बार बार असफल हो रहे हैं,
वो ये साधना जरूर करें और 100% आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। उसके बाद जो आप साधनाएं करेंगे उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। दीपावली की आप सभी मित्रों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे चैनल से आपका मन करे तो जरूर जुड़िए, आपको कुछ नई बातें सीखने के लिए मिलेंगी, कुछ आपको साधनाओं के बारे में यहाँ पे मिलेगा ज्ञान। और जो शक्तियों से बात करने का और जो शक्तियाँ किस तरीके की होती हैं वो सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सभी खुश रहें। जय श्री महाकाल। आदेश।